नहीं, इस समय देखिए देश में महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। इस बार के चुनाव में महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णायक रूप से जाए। अभी हम संख्या पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रैली की बात कर रहे हैं तो बिहार में स्थापित बात है कि जनाधार के हिसाब से राजद के बाद दूसरी पार्टी बिहार के अंदर माले है। और 20 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार को अफसोस रह गया कि माले को और ज्यादा सीटें मिलती लड़ने के लिए, 30 सीट मिलती तो माले के लोग 20 जीतते, और माले के लोग अगर 20 जीतते तो तेजस्वी की सरकार बन गई रहती। मोदी परिवार में एक खास कुछ सदस्य हैं, वो जो मोदी का असली परिवार है। असली परिवार के सदस्यों की पहचान छुपाने की कोशिश जो चुनावी चंदे के नाम पर रिश्वत देने वाले और सरकार की सत्ता का नाजायज फायदा उठा करके अपनी संपत्ति बनाने वाले, लूटने वाले, ये लोग कौन है? लोग अपने मुद्दे पर लड़ेंगे। किसान लड़ रहे हैं, गोली खा करके भी, शहादत दे करके भी वो MSP के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, लोग अपने अपने मुद्दे पर लड़ेंगे। जनता तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनता को जानने का पूरा हक है, जनता जानना चाहती है और सरकार छुपाना चाहती है, तो जनता के जानने का अधिकार और सरकार के छुपाने की साजिश, इसके बीच में लड़ाई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने विमर्श न्यूज के संवाददाता चंद्रशेखर के साथ बातचीत की। आज पार्टी के प्रेस सम्मेलन के बाद हमारे संवाददाता ने उनसे अलग से बात की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर। बात करते हैं 3 मार्च की, तो जनविश्वास महारैली का आयोजन पटना के गांधी मैदान में किया गया था, जिसमें काफी संख्या में बिहार से लोग आए थे और इंडिया गठबंधन को जो ताकत है उसका प्रदर्शन किए थे। और आज भाकपा माले के महासचिव हैं दिवाकर भट्टाचार्य जी, आज महिलाओं को लेकर प्रेस वार्ता किए हैं। सबसे पहले सर स्वागत है। नमस्कार। 8 मार्च को महिला दिवस है और इसे में महिलाओं को लेकर प्रेस वार्ता की है, क्या कुछ संकेत देने का काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, इस समय देखिए देश में महिलाओं में जबरदस्त आक्रोश है। सरकार 14 में जब सत्ता में आई उस समय प्रमुख नारा बहुत हुआ, नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार। और अब स्थिति ये हो गई है कि देश में महिलाएं बेहद असुरक्षित हैं। यूनिवर्सिटी से लेकर के फैक्ट्री से लेकर शहर से लेकर गांव तक हर जगह हर रोज महिला उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। और बलात्कारियों को सबसे ज्यादा संरक्षण और कहीं मिलता है वो भारतीय जनता पार्टी में, तो इसलिए महिलाओं को इस समय बहुत उनके मन में नाराजगी है। और हमें लगता है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ निर्णायक रूप से जाएगा। सर, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं और बंगाल में संदेश खाली जो है वहां पर भी महिलाओं का मामला जो है काफी जो बंगाल का उनके शिकायतें हैं, तो हम लोगों ने मांग की गिरफ्तारी हो। और जिनके खिलाफ भी महिलाओं की शिकायत थी वो 3 लोग, एक नहीं, सिर्फ एक शेख शाहजहां की बात होती है मीडिया में, शेख शाहजहां के साथ साथ वहाँ शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, 3 लोगों का नाम था, तीनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हम तो हर जगह जहाँ भी महिलाओं की शिकायत है हर जगह हम चाहते हैं कि महिलाओं को न्याय मिले। मणिपुर में भी महिलाओं को न्याय मिले, कश्मीर में भी महिलाओं को न्याय मिले, बिल्किस बानो को भी न्याय मिले, BHU IIT की छात्रा को भी न्याय मिले। और पूरे देश में महिलाएं इस समय अन्याय के शिकार हैं, हिंसा के शिकार हैं, हम महिलाओं के साथ हैं। इंडिया गठबंधन अपना प्रदर्शन 3 मार्च को गांधी मैदान में दिखाती है और उसके बाद भाकपा माले की जो संख्या उसमें देखने को थी, क्योंकि जिस प्रकार से लाल झंडा ज्यादा नजर आ रहा था, तो क्या भाकपा माले का योगदान जितना बड़ा रहा उतना बड़ा जिम्मेदारी इस बार लोकसभा में मिले? पहली बात तो हमारे तो देखिए भागीदारी और ज्यादा होनी थी, वो तो बारिश के चलते, मौसम के चलते कुछ लोग नहीं आ पाए। जो लोग आए थे 2 तारीख रात को ही जमा थे तो उनको काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ी। तो रैलियों में हमें लगता है कि माले की बड़ी उपस्थिति रहती है, ये तो बिहार में स्थापित बात है, बिहार के लिए कोई नई बात नहीं है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में माले महागठबंधन में शामिल नहीं है। माले क्या, पूरे वामपंथी खेमा ही महागठबंधन से बाहर था। 20 के विधानसभा चुनाव में हम लोग साथ आए और साथ जब आए तो काफ़ी फर्क पड़ा। और 20 के विधानसभा चुनाव के बाद बिहार को अफसोस रह गया कि माले को और ज़्यादा सीटें मिलती लड़ने के लिए, 30 सीट मिलती तो माले के लोग 20 जीतते, और माले के लोग अगर 20 जीतते तो तेजस्वी की सरकार बन गई रहती। ये जो बिहार का अफसोस था, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सीटों का तालमेल सही ढंग से हो, और सही ढंग से होता है तो निश्चित तौर पर बिहार इस बार पूरे देश को बदलने में
चुनावी परिदृश्य को बदलने में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोडरमा से आपको लोकसभा का सीट मिला है, बात करें बिहार की तो जिस प्रकार से आपकी भागीदारी थी, क्योंकि प्रदर्शन दिखाना था और प्रदर्शन में काफी संख्या में लाल झंडे के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो बिहार में 40 सीट है, ऐसे 40 में भाकपा माले की कितना भागीदारी? अभी हम संख्या पर बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप रैली की बात कर रहे हैं तो बिहार में स्थापित बात है कि जनाधार के हिसाब से राजद के बाद दूसरी पार्टी बिहार के अंदर माले है, और जन गोलबंदी के लिहाज से, आंदोलन के लिहाज से बात करें, सबसे बड़ा जन आंदोलन की पार्टी माले है। इसीलिए हमें लगता है कि ये तो बिहार के लिए स्थापित बात है, बाकी चुनाव में कैसे क्या होना है वो अभी हम लोग जो भीड़ गांधी मैदान में आई थी, क्या उसको वोट में कन्वर्ट कर पाएगा? क्योंकि देश में जो है राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, और ऐसे में भाजपा जो है राम मंदिर के सहारे लोग अपने मुद्दे पर लड़ेंगे। किसान लड़ रहे हैं, गोली खा करके भी, शहादत दे करके भी, वो एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, नौजवान लड़ रहे हैं, लोग अपने अपने मुद्दे पर लड़ रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल रहा परिवारवाद को लेकर, लालू प्रसाद यादव मोदी पे हमलावर हुए थे और उसको जो है एक बार फिर भाजपा सरकार है हथियार के रूप में प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैं मोदी परिवार हूँ ऐसा कैंपेन चल रहा है। इससे पहले बोले थे चौकीदार चोर है तो मैं भी चौकीदार हूँ, इस प्रकार का नारा दिए थे, और इस बार परिवारवाद को लेकर भी सारे लोग जो है मैं मोदी परिवार का नारा दे रहे हैं, क्या कहिएगा इसका असर? ये नारा तो महंगा साबित होगा भाजपा के लिए। जब वो कह रहे हैं कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो लोग पूछ रहे हैं किसान इतने दुखी क्यों हैं, नौजवानों के साथ अग्निवीर वाला धोखा क्यों हुआ, महिलाओं के साथ बलात्कार क्यों हो रहे हैं आए दिन, और बलात्कारियों को संरक्षण भारतीय जनता पार्टी में क्यों मिल रहा है। दूसरी बात है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टेट बैंक ने कहा कि हमें और समय चाहिए, इसका मतलब है कि मोदी परिवार में एक खास कुछ सदस्य हैं, तो जो मोदी का असली परिवार है, असली परिवार के सदस्यों की पहचान छुपाने की कोशिश जो चुनावी चंदे के नाम पर रिश्वत देने वाले और सरकार की सत्ता का नाजायज फायदा उठा करके अपनी संपत्ति बनाने वाले, लूटने वाले ये लोग कौन है? तो इसलिए परिवार अगर बात कहेंगे लोग कि पूरा देश हमारा परिवार है, तो जनता ये सवाल जरूर करेगी, जिसका जवाब मोदी सरकार को देना। इलेक्ट्रॉन वोट का क्या योगदान रहेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल, देखिए जनता, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जनता को जानने का पूरा हक है, जनता जानना चाहती है और सरकार छुपाना चाहती है, तो जनता के जानने का अधिकार और सरकार के छुपाने की साजिश, इसके बीच में लड़ाई है। हमें लगता है कि जनता इस सवाल पर सरकार को घेर लेगी। इस बार विधान परिषद में एक सीट मिलने की संभावना है, कैसे देखते? नहीं, संभावना नहीं, इसकी घोषणा है, हमने घोषणा कर दी, और कमरेड शशि जी वहाँ विधान परिषद में जा रहे हैं, और विधान परिषद से हमें लगता है कि आशा, आंगनबाड़ी, मिड डे मील, जीविका, ये जो तमाम बिहार की मेहनतकश महिलाएं हैं जिनको अभी भी सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार नहीं मिल रहा है, ठीक से वेतन नहीं मिल रहा है, उनकी लड़ाई को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो भाकपा माले के महासचिव थे दिवाकर भट्टाचार्य, जिन्होंने महिलाओं के ऊपर प्रतिक्रिया दिया, और जो भीड़ गांधी मैदान में देखने को मिला था उनके ऊपर भी प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात रहा हिस्सेदारी और भागीदारी की, तो ये बोले इंडिया गठबंधन शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उसे हम स्वीकार करेंगे, और बिहार में मजबूती से इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और 40 सीट जीतने का काम करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कॉमेंट्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।